आपकी बाइट भी अलग से ले लीजिएगा कि भाई 10-12 दिन हो गया हमें कभी खांसी हुई नहीं, सर्दी हुई नहीं, कोई लक्षण ऐसा नहीं है, मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मेडिकल चेकअप भी हो गया है मतलब कि आते ही से जब घर वाले टेंशन दिए तो सबसे पहले मेडिकल ब्लड सब टेस्ट होने दे के आए थे सब, जरूरी है ना, अच्छी बात है। घर मामला हुआ था, किसने आपकी पोस्ट डाल दी थी झूठी, कैसा क्या हुआ था? ये पोस्ट किसने डाली ये तो मुझे पता नहीं, कमलेश साहू बता रहे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो हमारे व्यापारी हैं, और उसके अलावा मुझे कोई भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मुझे वहाँ गोवा से आए हुए एक हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, मैं बात आई को रिटायर, ना मेरे को सर्दी है ना खांसी ना कुछ है। उसके पहले भी मैंने 13 को मेडिकल अपना चेकअप करवाया हुआ था, कल भी मेरे यहाँ गोरेगांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह हुए, सब कुछ नॉर्मल निकला, कुछ नहीं है। देखिए उन्होंने झूठी पोस्ट डाल दी सोशल मीडिया पे, अब मेरी उनसे किसी पर कोई बात ही नहीं, उन्होंने किस हिसाब से डाला, मुझे यहाँ थाने आगे पता चल कि उन्होंने ऐसी पोस्ट डाली हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? निशान तिवारी। टिप्पणी पोस्ट डाली गई थी व्हाट्सएप सोशल मीडिया में। निशान तिवारी रेलवे के ठेकेदार हैं, और वो अपने किसी मित्र की शादी में गोवा गए हुए थे, गोवा साहब उनके 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं। उनकी बहन ने मजाक में प्रशासनिक अधिकारी को सूचित कर दिया कि वो गोवा गया था, वो कोरोना से संक्रमित है, सर्दी खांसी और इलाज नहीं करा रहे हैं। तो इस बात को लेके कल जब निर्देश प्राप्त हुए तो उनको निलेश तिवारी को भिजवा के उन्होंने शासकीय अस्पताल से उसका परीक्षण कराया है, पूर्णतः अस्वस्थ पाए गए, कोई ऐसी बात नहीं पाई गई, ये बात आई गई होगी। आज कमलेश साहू नामक व्यक्ति ने बिना सोचे समझे अफवाह फैलाते हुए पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दिया, जिसकी वजह से पूरे दहशत का माहौल हो गया। उस बात को लेकर आपसी वाद विवाद हुए, मारपीट की नौबत दिया गई। इस संबंध में अफवाह फैलाने और ये अशांति भंग करने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भिजवाया जा रहा है। लोगों से अपील की जाती है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं और स्वयं को सचेत रखें। सर, किन किन मामलों में धारा दर्ज किया? अभी तो अशांति भंग करने के मामले में किया गया।